वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। एसएसटी में हरप्पन सिविलाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत डिटेल में सॉल्व किया था, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आज थोड़ा हम लोग को फास्ट चलना है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी आपको कल मिल गया था। तो सब यहाँ से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको आंसर पता होनी ही चाहिए क्योंकि कल बताया गया था 10 तक कम से कम आपको फटाक से आंसर बोलना है। हमें देखना है कि सबसे पहले कौन आंसर देता है, वीडियो देखने वाले को भी बोलना है और जो अभी क्लास में है उसे भी बोलना है। हरप्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? बिल्कुल, यानी कि बी आपका वो तेरी इतना नाचता है। एक मिनट यार, चलो बीच में आ गया, कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है। उसके बाद सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। कितनी अफसोस की बात है कि ये मैं वीडियो कल YouTube पे अपलोड नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला। आप में से एक बच्चे का भी फोन नहीं आया, इसका मतलब है कि घर पे जाके एकदम आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन सब तो आपके नोट्स में भी नहीं है। मतलब कितना, मतलब ये फील होता है कि दूर किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। सोचिए वीडियो को बनाना, फिर उसको एक्सपोर्ट करना, एडिट करना, फिर यूट्यूब पर अपलोड करना, कितना एक ही वीडियो पर 4 बार मेहनत करना पड़ता है। और किसी बच्चे का कॉल नहीं आया कि सर अब तक YouTube पे नहीं आया, मतलब कि आप लोग को इंतजार ही नहीं रहता है। देखो ना, ये नोट्स में भी आपके नहीं है, इसका मतलब कि घर पे जाके आप लोग कुछ पढ़े ही नहीं है। इतना ही ढेला स्टूडेंट बनना है तब तो आप लोग को मार्केट ज्वाइन कर लेनी चाहिए था, टीचर एक बार नहीं टोकने जाता आपको। पूरी छूट होती है, जैसे बैठना है, जिसके साथ बैठना है, जहाँ पर बैठना है, और अगर यहाँ पे हैं तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। छड़ी बहुत जमाने से हम छोड़े हुए हैं, कोशिश कीजिए कि हाथ में नहीं आए, क्योंकि जब जब हाथ में आया है तो पुराने स्टूडेंट लोग से पूछ लीजिए, अगर छड़ी नहीं टूटा तो आदमी टूटा, और अगर छड़ी पहले टूट गया तो आदमी बच गया, दोनों में से कोई एक टूटता ही हमेशा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा मौका हमको नहीं दीजिएगा। कितनी गंदी बात है, घिनौनी बात है, सोच के देखो कि आप घर पे जाके उस टॉपिक को पढ़े ही नहीं बिल्कुल से, ये तो प्रमाण है। अगर ऐसा बच्चा लोग रहेगा तो भाई टीचर भी बहुत कुढ़िया हो जाएगा, फिक्स है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमको टाइम मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम भी अपना आराम से रहेंगे, दूर छोड़ यार बच्चा लोग। अब नरेंद्र मोदी से कोई क्वेश्चन ही नहीं करता आज का पत्रकार, तो क्या हुआ प्रधानमंत्री नहीं वो हिटलर बन गए, यही हाल होगा तुम्हारे पढ़ाई का। इतना ढीला टीचर को छोड़ दोगे किस वास्ते, बताइए। आप समय देते हैं, पैसा देते हैं, उसके बावजूद यही ना ठगाते हैं मार्केट में जाके। टीचर को कोई लोड ही नहीं होता, बच्चा आता है, पढ़ता है, खेलता है, कूदता है, चला जाता है, कोई पूछताछ नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ओ यार ये क्या हो रहा है, अब सर बहुत गंदा, उससे अच्छा तुम्हारा हाथे काम करेगा। रह दे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने के महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृद भांड। मृद भांड का मतलब क्या होता है? बर्तन। नहीं नहीं हमको याद है, हम सब बचपन में ऐसी बोलते थे, बतरंग। हरप्पा सभ्यता से ही हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। हफ्सा बताएंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल का क्या मतलब होता है, तो जोर से बताओ कि आवाज यहां तक आनी चाहिए। ऐतिहासिक काल में जोर से, ऐतिहासिक काल में कोई लिपि नहीं मिला है, मतलब लिखित लिपि नहीं मिला है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल में कोई लिपि लेखन कला की नहीं मिला है, लेकिन लेखन कला मिली है। नहीं मिला। अरे बप्पगली, लेखन कला जब मिला ही मिला ही नहीं था, फिर पढ़ा कैसे गया? सही से पढ़ा नहीं गया है, सही से पढ़ा, यही तो कंफ्यूजन है कुछ लोगों का। क्योंकि अगर लिपि नहीं मिला तो कुछ लोगों का कहना है कि फिर लिखावट कहाँ से आ गया, आर्यन बात समझ में। इसीलिए इसको कुछ लोग प्रौद्ध ऐतिहासिक काल में ले जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि नहीं मिला था, तो जब लिपि नहीं था फिर लिखावट कहाँ से आ गया, प्रश्न तो है।
यस, इसका मतलब कि लिपि का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लिपि का जब अगर हमें ज्ञान होगा तो पढ़ भी आदमी संपूर्ण पाएगा, लिपि का हमें ज्ञान नहीं था इसमें। बैठे यानी आद्य ऐतिहासिक काल वह है जिसमें लिपि का ज्ञान न था, लिखित रूप तो मिला लेकिन वो संपूर्ण रूप से पढ़ा नहीं गया क्योंकि लिपि का ज्ञान नहीं था, और सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा ही साक्ष्य मिला है। उसके बाद है बेटा कि बोगास कोई का महत्व किस लिए है, बताएं। क्या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल सही। अगला, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है, बिल्कुल। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा, बिल्कुल सही। ना इसका कुछ ट्रिक बताए थे कलम। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह कहा जाता है, थोथल, लोथल, ये तो याद ही रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहन जोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, वी ए स्मिथ, बिल्कुल सही। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन सत्र से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, बनावली, बनावली। यह हल्का टेराकोटा जो है ना एक पदार्थ है, ठीक है ना, बर्तन को नहीं कहते। कल इस पर डिस्कशन हो रहा था, कल भी हमने बताया था, बर्तन जिस पदार्थ से बना हुआ उससे, क्योंकि टेराकोटा से उस वक्त भवन निर्माण में भी यह काम आता था। चनहुद्रो, यहां पे मिस्टेक है, कल भी बताए थे। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में, पक्का, पक्का, पक्का। चनहुद्रो हड़प्पा में कहां स्थित है जी, सिंध कोई जगह का नाम था क्या, नहीं सर, सिंधु में होगा, मतलब उधर ही था, पाकिस्तान में। उधर ही था कहां, सिंधु नदी में, पाकिस्तान घाट के पास, सिंधु नदी से आगे रिलेटेड था इसलिए सिंधु में कह सकते हैं, हम पता नहीं, इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहे तो कल हालांकि बताए थे, मेरे खुद ही मिस्टेक हो रहा है, याद नहीं आ रहा सही से। चलो देख लीजिएगा कल क्या बताए थे। सिंधु घाटी के लोग थे कौन का मांस, हाँ गाय का मांस, इसको अभी भी देखो ना चेहरे पे इसके बल है, आप लोग के जाने के बाद इसको मतलब फिर कुछ देर इसको टाइम दिए हैं, निकाल कर दिखाए पूरा, फिर भी इसको पता है क्यों, फलाने फलाने सर का वीडियो देखे उसमें बोले थे। देखो एक चीज़ बताएं, खान सर बेस्ट टीचर हैं अभी पूरे हिंदुस्तान के, लेकिन खान सर कई बार मिस्टेक करते हैं, ये आपको हम बता दें, कल बोल नहीं पाए थे हम, कहिएगा तो हम साक्ष्य प्रमाण भी आपको हम दे देंगे। अच्छा ये गाय का मांस खाते हैं, चलिए नहीं खाने वाले, गाय इस वक्त था ये भी मान लिए, लेकिन कल तक तो बोल रहे थे गाय नहीं था, अभी मान रहे वो भी था, लेकिन वो तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, गाय का मांस नहीं खाने वाले, इससे पता चलता है कि वो गाय का मांस नहीं खाते थे, सिर्फ दूसरा मांस खाते थे, ठीक है, दूसरा का मांस खाते थे, इससे पता तो नहीं चल रहा कि शाकाहारी वो थे या नहीं थे, शाकाहारी का तो ये पूछ रहा है कि शाकाहारी थे कि नहीं, वो क्या थे, तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, तो यहाँ पे गाय का मांस नहीं खाने वाले, सिर्फ स्पेशल गाय का मांस नहीं खाने, बाकी सब मांस खा रहे, तो शाकाहारी तो आया ही नहीं, इसमें सिर्फ मांस खाया, तो मांसाहारी तो थे नहीं सिर्फ। इसमें सबसे शॉकिंग टॉपिक कौन सा है कि गाय का मांस नहीं खाते थे, वो है हमें बेहतर चीज़ को लेना होता है ना कि कोई भी चीज़ उठा लेना होता है, हम कितनी बार बताएं कि यूपीएससी बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है ये, तो इतना लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन होता नहीं है कि हर आदमी उसको सॉल्व कर ले, टीचर लोग अटकते हैं, जहां आप देख के आए वो भी बेचारे चूक गए इसमें, तब हम क्या करें, आपको चैलेंज कर रहे हैं, फिर से जाइए इसका सर्च कीजिए, आंसर सही है, प्रमाण भी हम कल दिए थे, लेकिन ये इसलिए नहीं मान पा रही है कि इसको लग रहा है कि ओ यार इतने बड़े टीचर बोले ये, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारत में पशुपालन एवं कृषि से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खत्म हो गया, यहां से आप लोग खुद से ध्यान रखना है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त, बता रहे मोटी,
बता जल्दी, बताया मैं तुमको, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहां से हुए हैं? अंजीरा से, किलीगुड मोहम्मद से, या फिर सादात से, या मेहरगढ़ से? तो मेहरगढ़ से। निम्न कथनों में से कौन सही है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, हड़प्पा व्यवसाय नदी के किनारे था, या हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर डी बनर्जी थे? निम्न में से कौन से कथन सही है? हड़प्पा उत्खनन 1921 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, लेकिन हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर डी बनर्जी, ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है। कौन था हड़प्पा का उत्खननकर्ता बता सकते हैं? ज़्यादा काबिल है तू। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये थोड़ा देर के लिए सही, लेकिन पूरी तरह सही नहीं, क्योंकि हड़प्पा कुछ साक्ष भारत में भी है। फिर कहेंगे कि लेबल है क्वेश्चन का, ठीक है ना, तो थोड़ा सा दिमाग को कंट्रोल में रख के चलिएगा। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था, बिल्कुल गलत। मिला जुला के जो 100% सटीक है वो वन है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। अच्छा, यहाँ पर ऐसे है कि आपको कौन सा आंसर देना है, केवल एक और दो? अच्छा, अगर ऐसे मैं ध्यान नहीं दिया था, अगर ऐसा है तो एक तो होगा ही, और दूसरा कि वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। अगर ऐसे है तो ये भी बात गलत तो नहीं है, बाकी एक चुनना होता तो सबसे बेहतर जो होता वो लेते हैं। अगर दो दो चुनना है तो एक और दो आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन करता आर डी बनर्जी, पक्का कन्फर्म है कि वो, उनका ही नाम आर डी बनर्जी भी था? पक्का कन्फर्म है? तो एक और चार देखते हैं कि पर है क्या। तू मत बोल अफसा, कुछ बोल ही मत अब यहाँ से, और अच्छे तैयारी कर हटा। एक और चार कहीं पे ऑप्शन में ही नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको चल कोलिथिक युग भी कहा जाता है, क्या बता सकते हैं? बताइए किसको? ताम्रपाषाण काल को। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं कैसी? चौड़ी और सीधी, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी, तंग और मैली? चौड़ी और सीधी, बिल्कुल सही। हड़प्पा और मोहन जोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल, सर जॉन कॉनरथ, पता है आप लोग को? अब यहां पर भी डाउट होगा कि अरे कहां चले गए वो जो थे इंडिया के, क्या नाम था उनका? अरे दयाराम सानिया, रखालदास बनर्जी। तो हड़प्पा और मोहन जोदड़ो की खुदाई किसने कराई है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट जॉन मार्शल साहब थे, कितनी बार बताएं, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, वो इंजीनियर थे, समझ में आ रही है बात, और ये था बॉस। तो किसने कराई? तो कराई तो जॉन मार्शल साहब ने कराई। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहां से पाया गया है, बताओ रे, तराजू कहां से पाया गया है? हड़प्पा से, लोथल से, मोहन जोदड़ो से, या लड़काना से? पक्का लोथल। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 1750 ईसा पूर्व से 1500, 1500 ईसा पूर्व से 1150, 2700 ईसा पूर्व से, या फिर 2500 ईसा पूर्व से 1750? बताओ सब। क्वेश्चन है कि सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य भोजन क्या था? चावल और जौ, गेहूं और जौ, चावल और गेहूं, या चावल? बताओ। बिल्कुल सही, गेहूं और जौ। कोई क्वेश्चन दिक्कत होगा समझने बोलना, फिर उसको डील करेंगे। हड़प्पा के मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए तो पूछना कोई वर्ड या कुछ। हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए? झेलम, रावी, समतल, या सिंधु? हड़प्पा के, अरे यार सीधी सी बात है, सिंधु होगा, खंडहर है ना, मिला है कि पूरा पूरा हड़प्पा सभ्यता मिल गया, तो खुद के भाग जाता लोग उसी में कि चल इतना डेवलप हम वहीं से जाते हैं, देखते हैं वहाँ कौन सा नोट चल रहा है, और कहीं गांधी जी का नोट लेके चले गए तो पकड़ाई हो जाएंगे कि जाली नोट लेके आ गया, पीटेगा वहीं पे हड़प्पा सभ्यता का पुलिस वाला। मोहन जोदड़ो से सबसे बड़ा भवन कौन सा था? बहुमंजिला मकान, विशाल स्नानागर, स्तंभ हॉल, या धान्यागार? पक्का ये बोले? कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है। देखिए यहाँ से 20, 21 से लेकर
अंतिम प्रश्न तक ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये 200% हम डालने वाले हैं यूट्यूब पर, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा हैवी नहीं, 27 ही है मात्र, ठीक है। ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा बच गया उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट। देखो लास्ट क्वेश्चन कितना मजे का है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? बोलना नहीं है, बताइए आप लोग अलग है तो, और सभी पता ही होगा, अच्छे से देखना समझना। और जो लोग नए हैं वो चैप्टर को पढ़ने के बाद सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नोट्स ऑलरेडी दे दिया गया, जिनके पास नहीं है वो डिपार्टमेंट से रिसीव कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।